Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, The Soul Food. This is your friend Ramani Kali and I hope you guys are safe and healthy. पता है मुझे काफ़ी देर हुए वीडियोज़ अपलोड किए हुए, लेकिन आई प्रॉमिस इस बार से पक्का टाइम पर वीडियोज़ आ जाएंगे. तो अभी सुबह के बजे हैं 9 और आज की वीडियो के लिए मैंने एक कॉन्टेंट सोचा है जो कि हमारे पास सिर्फ होने वाला है 100 रुपये, और दिन में 100 रुपये मुझे स्पेंड करने हैं. आई विल बी लिविंग ऑन ओनली 100 रुपीज़ फॉर द एंटायर डे. तो आई थिंक ये चैलेंज इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. देखते हैं 100 रुपये में क्या क्या मिलेगा खाने के लिए. सो या मिलते फ्रेशन अप होते जल्दी से और मिलते हैं बाजार में जाके, देखते हैं क्या मिलने वाला है. सो या अभी हम आए हैं मिलन स्वीट्स, जो कि हिंदामाता में लोकेटेड है. और सेंट पॉल्स की अगर कोई गर्ल्स होंगी तो ये रिलेट कर पाएंगी. यहाँ के समोसे काफ़ी स्वाद होते हैं, मेरे तो काफ़ी पर्सनल फेवरेट है. तो ये हमारा बढ़िया वाला गर्मा गर्म समोसा. सुबह का नाश्ता 15 में निपट गया, अभी बचे हैं 85 रुपीज़. आगे का दिन निकालना है 85 पे, तो देखते हैं स्टे ट्यून्ड. ये ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोपहर में लंच के लिए. यो गाइस, तो अभी दोपहर के बजे है 2:33 और मुझे लगी है जोर की भूख. और सुबह का नाश्ता तो बहुत बढ़िया हो गया है, मस्त. आज का दिन तो ऑसम स्टार्ट हुआ है. अभी दोपहर में देखते हैं, अभी बचे हैं मेरे पास 85 रुपीज़ अराउंड. तो देखते हैं, फूड सर्च करते हैं क्या. ये आई थिंक चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी और लेट्स गो. फिर ढूंढते खाना. अभी मुझे दिखा है ये फ्रैंकी स्टॉल, बहुत भूख लगा है. चलो देखते हैं, अंकल को पूछते हैं कि सबसे सस्ती फ्रैंकी अभी कौन सी है. मुझे तो लग रहा है वेज ही होगी, जो कि 25 स्टार्टिंग है, तो वो लेनी पड़ेगी. फिर रात का भी कुछ करना है, डिनर अपना शाम का, ये स्नैक्स है और डिनर भी है, तो देखते हैं. अंकल, सबसे सस्ती फ्रैंकी कौन सी आपके पास? वेज फ्रैंकी. कितने की है वो? 25. ठीक है, वो एक कर देना. मेरी फ्रैंकी अभी बन रही है. आप लोगों में से दोपहर को कौन कौन फ्रैंकी खाता है और खाना पसंद करता है, ये प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना. वेज फ्रैंकी तो हम कभी इतना ज़्यादा खाते नहीं है, अभी मजबूरी है तो खाना पड़ेगा ही. देखते हैं टेस्ट में कैसे होने वाली है. लक तो बढ़िया रही है. सो हियर इट इज़ आर 25 रुपीज़ की वेज फ्रैंकी. अभी इससे गुजारा करना पड़ेगा दोपहर का. बहुत भूख लगी है, लेट्स हैव इट. ऑसम, मज़ा आ गया. थोड़ी स्पाइसी है, स्टफिंग बहुत अच्छी है. नाइस. अभी दोपहर का हो गया, मिलते हैं डायरेक्टली शाम को. गाइस, अभी बजे हैं शाम के 5 और अभी वापस से मुझे भूख लगा है, क्योंकि ज़्यादा हैवी तो खाया नहीं था दोपहर में, सिर्फ रोल खाया था, तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी. तो अभी 5 बजे हैं, तो आई एम थिंकिंग अभी कुछ चाय वाय मिल जाए और कुछ स्नैक्स खाने के लिए मिल जाए तो बेटर होगा. तो यार, लेट्स सी अभी क्या मिलता है. तो ढूंढते ढूंढते मैं आई हूँ एक स्टॉल पे और मेरे पास बचे बस ये सिक्सटी बचे हैं. और मुझे अभी यहाँ वेफर पाव का एक स्टॉल दिखा है, जो कि मुझे मिल रहा है सिर्फ 20 में. तो यहाँ मेरा आज का शाम का सॉर्टेड होने वाला है. और मुझे खाना है वेफर पाव, जो कि है 20 का. तो अभी देखते हैं. सो दिस इज़ आर मेयोनीज वेफर पाव, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है. सो यार, दिस इज़ इट. काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, मेयोनीज से पूरा भरा हुआ है, अंदर वेफर्स डाले हैं एंड ऊपर से
ग्रिल किया है सो काफ़ी क्रिस्पी हुआ है. लेट्स हैव अ बाइट. तो अभी हमारे पास बचे हैं सिर्फ 40 रुपये और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है. सो स्टे ट्यून, रात तक देखते हैं रात में 40 में क्या मिलेगा खाने के लिए या मिलेगा भी नहीं, आई डोंट नो. सो या स्टे ट्यून, लेट्स इन्जॉय. सो नाउ इट्स डिनर टाइम और पता नहीं अभी सिर्फ 40 रुपये बाकी है. सोचा डिनर में कुछ अच्छा खाने को मिले इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की सोची. 100 में से सिर्फ 40 ही बचे हैं तो लेट्स से अभी क्या मिलता है. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. चलो लेट्स गो. तो बचे हैं सिर्फ 40 और मुझे पता है अब ये 40 में क्या खाना है. सो योर इट इज माय फेवरेट. सो फाइनली आर मोमोज इज हियर. बहुत मस्त लग रहे हैं. आज शायद पेट भरने वाला है. भाजी वाला है. मज़ा आया आज का वीडियो करके तो बहुत मज़ा आया यार. यस आई एंजॉयड इट अ लॉट. अभी लेते हैं बाइट, हमारा फर्स्ट बाइट. बहुत गर्म है यार. मज़ा आया. गाइज मज़ा आया बहुत खा के. 40 रुपये पूरा वर्थ इट था. एक्चुअली चिकन मोमोज है एंड आई लव मोमोज पर्सनली. सो या दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही था. आई गेस मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया आज का. 100 टोटल डन है. होप्स आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो. पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना चैनल पे. और यस अगली बार से टाइम पे ज़रूर आएगा वीडियो. तो या स्टे ट्यून्ड. तब तक खाओ पियो खुश रहो.